दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्रीमी सा ब्रेड पुडिंग। इसको आप घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ओवन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ बबीता। स्वागत है आपका बबीता किचन में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए एक पैन में 1/4 कप चीनी ले रही हूँ। इस चीनी को हमें बिना पानी के मेल्ट करना है, यानी कि इसे कैरमलाइज करना है। इसे हम एकदम फुल आंच पे मेल्ट कर लेंगे। इसे अपने आप ही मेल्ट होती जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी अब मेल्ट होने लगी है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और याद रखे आपको भी बिल्कुल पानी नहीं डालना है इसमें। ऐसे ही चीनी अपने आप मेल्ट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। थोड़ा इसका कलर और डार्क कर लेंगे, जैसे टॉफी होती है ना उसी टाइप की। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसका कलर एकदम डार्क हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे फटाफट हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे केक टिन ले लिया है, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं और इसे हम फटाफट से इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जमने लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कर लिया है और इसे इसी तरीके से पूरे इसमें फैला लेते हैं हम। ये देखिए, अब पूरे टिन में ये अच्छे से फैल चुका है। ये देखिए, अच्छे से ये हो चुका है और अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 6 व्हाइट ब्रेड ले ली है, तो अब हम इनके साइड्स को कट कर लेते हैं। इसके लिए आप व्हाइट ब्रेड ही लेना, क्योंकि इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पुडिंग में। हम इसके साइड्स को फटाफट से कट कर लेते हैं और जो इसके साइड्स हैं वो हमें फेंकने दो, बिल्कुल भी नहीं है। इनको बीच से कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ तो मीठा चाहिए ही होता है। मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ भी मैं शेयर करूं स्वीट डेजर्ट की रेसिपी। ये देखिए, और अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेते हैं। एकदम फाइन सा पाउडर बनाना है हमने इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका फाइन सा पाउडर बना दिया है, एकदम फाइन। तो चलिए अब चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है और इसमें मैं ले रही हूँ 4 टेबल स्पून वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। अब सेम कप से मैं इसमें पानी डालूंगी 1 कप और विस्कर की मदद से इसे अच्छे से एकदम लम्स फ्री बैटर बना लेते हैं। बिल्कुल भी लम्स नहीं है, देख सकते हैं आप। और अब इसे साइड में रखते हैं और हम चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप दूध। अब 1.5 कप दूध में 1/2 कप चीनी डाल दूंगी। अब दूध और चीनी को हम पका लेंगे, एकदम अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। ये देखिए, अब दूध में एकदम अच्छे से उबाल आ गया है और चीनी भी इसमें अच्छे से घुल गई है। तो अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं और इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इस तरीके से इसको लगातार चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। ये देखिए, तभी बनेगा हमारा एकदम लम्स फ्री बैटर। ये देखिए, इसे लगातार चलाते रहना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हल्का हल्का थिक हो गया है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना ब्रेड का पाउडर डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, बस थोड़ा डालेंगे और इसे चला लेंगे। एक साथ डालोगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फिर से हम थोड़ा डालेंगे और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। अब इसमें सारा डाल देती हूँ और इसे चला लेते हैं फटाफट से, एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने, नहीं तो हमारा स्मूथ सा पुडिंग नहीं तैयार होगा। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम सेम बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने कैरमल डाला था, उसी में हम इसे फटाफट से ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसे ऐसे फैला लेते हैं इस तरीके से, सारी जगह पे एकदम बराबर कर लेंगे और हल्का सा इसे टैप कर देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है और इसमें हम 3 से 4 ग्लास पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे स्टीम करना है तो पानी को हम उबाल लेंगे।
इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देते हैं और ऊपर से एक पेड़ से ढक्कन मार देती हूँ ताकि थोड़ी देर ये अच्छे से उबल जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब पानी एकदम अच्छे से उबलने लगा है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, अब हम केक टिन को इसमें रख देते हैं और इसे हम 25 से 30 मिनट तक बेक कर लेते हैं। ऊपर से एक पेड़ का ढक्कन मार देते हैं और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अगर बेक करने से पहले ही इसमें पानी खत्म हो जाए तो आप दोबारा इसमें पानी डाल दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब 25 से 30 मिनट इसे हो चुके हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए, अभी पक चुका है और इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये नीचे निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्रेड पुडिंग तैयार है। इसे एक घंटा फ्रिज में हो गया है और हमने इसे निकाल लिया है, तो चलिए हम इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर से ऐसे प्लेट रखेंगे इस तरीके से और हम ऐसे इसको प्लेट को ऐसे पलट लेंगे यूं। ये देखिए, और अब धीरे से इसको नीचे रखेंगे, हल्का सा इसको हम टैप कर लेंगे और इसको हम उठा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड पुडिंग बनके तैयार है। कितना यम्मी लग रहा है ना, देखते एकदम मुंह में बस पानी आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका पीस कट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम इसका पीस कट कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हो रहा है। ये देखिए, ये पुडिंग हमारी एकदम रुई जैसे सॉफ्ट हुई है। अब मैं आपको पीस उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आप, कितना सॉफ्ट हो रहा है, एकदम अंदर तक बिल्कुल भी लम्स नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा केक हमारा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है केक, देख सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।